अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफ़त जुलेखास किचन .com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑन नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार सा मीठा, जिसका नाम है केसरी फिरनी। रमज़ान में बड़े शौक से खाई जाती है। वैसे सादी जो फिरनी आती है वाइट वाली, उसकी भी मैंने रेसिपी बनाई है, मेरे चैनल पर अपलोड की है। आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। या फिर आप लिखेंगे फिरनी बाय जुलेखास किचन यूट्यूब चैनल के सर्च बटन पर, वहाँ आपको मेरी दोनों फिरनियाँ मिल जाएंगी। वैसे मैंने रमज़ान के लिए कुछ डेजर्ट्स की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा कप चावल लिया है, मैंने बासमती लिया है। अगर आपके पास सूरती कोलम हो तो सबसे बेस्ट है, या कोलम चावल भी चलेंगे। मेरे पास बासमती थे तो मैंने बासमती को एक घंटे पहले दो तीन पानी से धो के साफ पानी में भिगाने रख दिया था। अब इसे भीगने दीजिए साइड बाय साइड। यहाँ पर मैं एक पतीली के अंदर, मेरी थिक बॉटम की पतीली है, उसके अंदर एक लीटर दूध डालिए। आप चाहे तो भैंस का, आप चाहे तो गाय का भी डाल सकते हैं। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए या फिर स्लो आंच या फिर मीडियम आंच। मैं मीडियम रख रही हूँ क्योंकि मेरी जो पतीली है वो मोटी है, थिक बॉटम की है, तो जलने का डर नहीं। अगर आपको जलने का डर लगे तो आप स्लो पर रखिए और ऐसे तब तक पकाएं दूध को जब तक 1/4 पोर्शन दूध है ना कम नहीं हो जाता, रिड्यूस नहीं हो जाता। तब तक थोड़ा सा दूध एक प्याली में निकाल लें और साइड पर रख दें और बार बार इसे बीच बीच में चलाते रहें। अगर कढ़ाई के चारों ओर मलाई जमने लगे तो चम्मच की मदद से खुरच कर दूध में डालते जाएं। चलिए ये जब तक दूध पक रहा है, इसके जो साइड पर हमने थोड़ी सी प्याली में दूध निकाल लिया था, उसी समय ये जो ज़ाफ़रान है इनके थोड़े से धागे डाल दें, मिक्स कर कर इसे भी साइड पर रख दें। ये एक घंटे से जो हमारे चावल भीग रहे हैं इन्हें नितार लीजिए और नितारने के बाद एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए और बिना पानी डालकर बहुत अच्छे से पीस लीजिए। अच्छा बारीक पीसना है। हाँ, ये देखिए इस तरीके से, और इसे अभी फ़िलहाल के लिए साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो वो जो टुकड़ा चावल आते हैं ना बारीक वाले, बासमती वाले, वो भी ले सकते हैं। ये देखिए कितने बारीक मैंने पीसा है। चलिए अब दूध पर आते हैं। दूध आप देख सकते हैं 1/4 पोर्शन कम हो चुका है। मैंने मीडियम पर रखा था तो कम समय लगा, आप स्लो पर रखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मैंने कम समय के लिए मीडियम पर रखा था, बार बार मैं चला रही थी इसे, हाँ, इंटरवल्स पर। अब ये जो साइड पर हमने चावल का बना के रखा ये सारा डाल दीजिए और क्विकली मिक्स कीजिए, क्योंकि लम्ब्स ना फॉर्म हो जाए ना, तो बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। और जब मिक्स हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच, और तकरीबन आपने ये जो चावल है 80% तक, 90% तक नहीं हो जाते तब तक आपने इसे पकाना है। बार बार इसे आप इंटरवल्स पे चलाते रहें, साइड की जो पतीली की साइड पे जो लगा हुआ होता है मलाई जम जाती है उसे भी निकालते जाएं और दूध में डालते जाएं और पकने दें। समझिए ना, अभी इतने छोटे चावल है तो पकने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 मिनट लगेगी। मैंने चूल्हा स्लो पर रखा है। अब कुछ देर बाद मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, ये देखिए चावल 90-95% हो गए हैं। तो अब यहाँ, और दूध भी काफ़ी कम हो गया आप देख सकते हैं, तो अब यहाँ मैं डाल देती हूँ शक्कर। 1/3 कप भर के शक्कर डाल दीजिए, और इसके साथ साथ ये जो हमने केसर का मिक्सचर बना के रखा है वो भी डाल दीजिए बहुत अच्छे से। और 2 से 3 जो हरी इलायची आती है उसे मैं तोड़कर खोलकर डाल देती हूँ। आप चाहें तो हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। थोड़े से पिस्ते डाल रही हूँ बारीक कटे हुए, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच पर 8 से 10 मिनट तक पकने दें, या तब तक पकाएं जब तक ये फिरनी का जो मिक्सचर है पूरी तरीके से थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता और ये जो हमारा चावल है, ये जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन पकने का है वो पूरा पक नहीं जाता। तब तक इसे पकने दें। शक्कर आप इतना जल्दी मत डालिएगा, जैसे मैंने एंड में डाला है तभी ही डालना है, नहीं तो अगर आप चावल के टाइम पे डाल देंगे तो शक्कर की वजह से चावल जल्दी पकेंगे नहीं, इसके लिए हम एंड में शक्कर को डालते हैं।
मैंने चखा, मुझे हल्की सी मिठास कम लग रही है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ। आप भी अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट करें, या आपको मीठा बराबर लग रहा हो तो टोटली स्किप कर दें। अच्छा, अब आप इसे जब जब चलाएं चम्मच को, तो नीचे तक लेके जाए कि कुछ चिटके ना हमारा ये जो फिरनी का मिक्सचर, और साइड पर भी बार बार इस तरीके से जो मलाई जमी हुई है उसे निकाल निकाल कर फिरनी के अंदर डालते जाएं। और 8-10 मिनट के अंदर जब अच्छे से पक जाए और गाढ़ा थिक हो जाए तो आप कर दीजिएगा बंद। चलिए, ये गाढ़ा परफेक्ट है। मैं यहाँ चूल्हा कर देती हूँ बंद, और वो जो हमारे चावल थे वो भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। आपसे बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाए और आपको हल्का सा पतला करना है तो थोड़ा सा दूध डालकर मिक्स कर थोड़ा सा पका लीजिए 2-3 मिनट स्लो आंच पर, और फिर बंद कर दीजिए। चलिए, अब एक हमारे मिट्टी के प्याले में डालें, जो फिरनी के आते हैं उसमें डालें। मैं थोड़े से कुल्हड़ में भी डाल रही हूँ। अच्छा, जो मलाई वगैरह साइड पर लगी हुई है पतीली के अंदर वो भी सारा स्क्रेप करके डालें, क्योंकि उसमें भी बहुत टेस्ट होता है। वो सारा डाल लें, उसके बाद थोड़ा सा कटे हुए पिस्ते डालें, थोड़े से ज़ाफरान के स्ट्रैंड्स डालें, और इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर ठंडा होने रख दें। जब 2-3 घंटे के बाद अच्छी ठंडी हो जाए तो इसे मज़ेदार से सर्व कीजिए। देख सकते हैं क्या खूबसूरत लग रही है हमारी केसरी फिरनी। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं या फिर आपको अच्छी भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।